हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर से होंगे। और आज हम सीखेंगे कि रेडेस टूल किट के जरिए हम किस तरीके से ऐड टू कार्ड फंक्शनलिटी लगा सकते हैं। सपोज ये एक शॉपिंग वेबसाइट है और हम यहाँ ऐड टू कार्ड करें और यहाँ कार्ड पे शो हो, हमारी जो भी है वो कार्ड की लिस्ट में आ जाए। तो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं रेडेस टूल किट यूज करके ये फंक्शनलिटी लगाए। सपोज हमारे पास ऐड टू कार्ड है और जैसे ही ऐड टू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये चली जाएगी, ये कार्ट में यहाँ शो होगी। अभी देखें टोटल आइटम जीरो है, तो हम किस तरीके से यूज करेंगे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोड, तो आपको बताऊँ कि मैं रेडेस टूल किट यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो ये यूआई मैंने जो बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ये यूआई जो बनी हुई है ये मैंने यूआई जस्ट में बनाई है और ये एक एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा आ रही है। ठीक हो गया, तो इसको जस्ट मैंने अब एडिट किया है। देखें ये मेन मेथड लगाया है और इसमें जो डेटा आ रही है इस तरीके से काम कर रहा है, सही है। तो ये जस्ट डिजाइनिंग है और हम डेटा को जस्ट एडिट किया, शो कराया है। अब हम चाहते हैं कि एड टू कार्ड में कैसे ये फंक्शनिटी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडेस टूल किट यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडेस टूल किट पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है, रेडेक्स और रेडेस टूल किट दोनों, उसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, ये प्रोडक्ट है और उसमें सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे मैं जाता हूँ SRC में और यहाँ एक रेडेक्स का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ लिखता हूँ रिडेक्स, ओके। और मैं आता हूँ और यहाँ पे जो SRC हमारा है इसमें मैं क्रिएट करता हूँ स्टोर। ठीक हो गया, स्टोर डॉट js, सही हो गया। अब हम स्टोर में इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कॉन्फिग, ठीक, कॉन्फिग स्टोर फ्रॉम रिडेक्स करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ, रिडेक्स टूल किट। और यहाँ करते हैं कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फिग स्टोर करेंगे और ये एक फंक्शन है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ रिड्यूसर आएगा और रिड्यूसर में हम अपना रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब क्रिएट करेंगे, अच्छा मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, ठीक हो गया, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे इंडेक्स डॉट जेएस में और यहाँ करेंगे इंपोर्ट। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट क्या करेंगे कि प्रोवाइडर इंपोर्ट करेंगे जो रिडेक्स से, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिडेक्स, ठीक है, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक हो गया, अगर और अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे है यहाँ पे इसको कवर करेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। और अब जो ये प्रोवाइडर है इसमें हम इंपोर्ट, इसमें हम प्रॉप्स पास करेंगे, स्टोर नहीं आ रहा है, चले हम यहाँ कर देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम जाते हैं रिडेक्स फाइल में और वहाँ हमारा स्लाइस क्रिएट करते हैं, ये है रिडेक्स फोल्डर, ठीक है, यहाँ हम क्लिक करते हैं और करते हैं शॉपिंग, लिखते हैं कार्ड सिस्टम, कार्ड सिस्टम डॉट जेएस, ओके। और यहाँ हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे क्रिएट एसेंड थिंक, और होता है क्रिएट स्लाइस होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्रिएट स्लाइस क्योंकि हम कोई भी नेटवर्क से डेटा नहीं ले रहे हैं, हमारी डेटा जो आ रही है वो एक हमने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया है उससे डेटा ले रहे हैं, डेटा शो कर रहे हैं।
क्या करेंगे, इम्पोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, और यहाँ पे हम एक कांस्ट कार्ट सिस्टम इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस ठीक होगा। और यहाँ पे एक होगा था पहले नेम कौन सा रखते हैं, सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ कार्ट, सॉरी स्ट्रिंग में देना पड़ेगा कार्ट, और उसके बाद आता है इनिशियल स्टेट। ठीक है, मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्रिएट कर देता हूँ, कांस्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक तो होगा हमारा कार्ट सिस्टम होगा, ठीक हो गया। और दूसरी चीज हम करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी 0 ठीक है, दो चीजें हो गई। और अब इसके नीचे हम करते हैं रिड्यूसर, ठीक हो गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से ये चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे एक रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, हम करते हैं ऐड कार्ड, ऐड कार्ड इसके अंदर आएगा, स्टेट एक्शन आएगा, सही हो गया। ऐड कार्ड के अंदर क्या आएगा, स्टेट और एक्शन आएगा। और इसके नीचे हम क्या करते हैं, स्टेट डॉट कार्ट डॉट पुश, जो भी हमारा डेटा आएगा उसको हम पुश करेंगे, किसमें करेंगे, हम करेंगे कार्ट के अंदर, सॉरी एक्शन डॉट पेलोड जो हमारा होगा, सही हो गया। स्टेट डॉट कार्ट डॉट पुश एक्शन डॉट पेलोड, सही हो गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कांस्ट इसको हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, सॉरी ऐड कार्ट लिखना था, कार्ड लिख दिया, ऐड कार्ट इज इक्वल टू हम करेंगे ऑथ स्लाइस जो, सॉरी जो हमारा जो मैन जिस तरीके से हम बनाया है जिसका नाम लिखा था, कार्ट सिस्टम लिखेंगे कार्ट डॉट एक्शंस, सही हो गया। आपको समझ में आना चाहिए ये एक्शंस है, एक्शन नहीं है। और अब नीचे हम करेंगे एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट कार्ड सिस्टम एंड डॉट रिड्यूसर, सही हो गया। ये हमने इतना काम कर लिया, अब देखते हैं हमारी डेटा जो है वो किस तरीके से हम पेज करते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन पेज है, देखें अभी हम देख सकते हैं रिडक्स टूल किट में कि हमारी जो डेटा है वो किस तरीके से शो हो रही है टैब टू में, अभी कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ इसको इंपोर्ट नहीं किया है, कार्ड सिस्टम भी बना दिया है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे स्टोर में। तो यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है यह आ गया है, पर यहाँ पे हम देंगे नेम, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो कंसोल, नहीं करेंगे रिडक्स टूल, देखें यह आ गया, अभी एम्प्टी है बिल्कुल। अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इस पे डिस्पैच नहीं किया है। तो हम डिस्पैच कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने इस व्यू पेज में, और यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, इंपोर्ट
यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्टेडेक्स, सही हो गया। और अब हम यहाँ नीचे आएंगे कि कांस्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज को यहाँ इंपोर्ट करेंगे जो हमारा एड कार्ड है। इंपोर्ट एड कार्ड फ्रॉम कार्ड सिस्टम, ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, चलिए यहाँ ही बना लेते हैं, फंक्शन एक बनाएंगे, कांस्ट एड आइटम, ठीक हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ आते हैं, ये जो बटन है, ठीक है, इसके अंदर लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ये फंक्शन, और यहाँ होगा डिस्पैच, और इसके अंदर आएगा हमारा जो एड कार्ट, वो आएगा इसके अंदर, देंगे आइटम। आइटम कौन सा है, ये आइटम है जो डेटा ये आ रही है ना, स्पेसिफिक तो ये डेटा आ रही है जो इसमें हम पास कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं, हम चलते हैं हमारे रिडेक्स में। अब देखें, अभी जीरो है, ठीक है, जीरो हम जैसे स्पेकल करते हैं ये प्रोडक्ट आ, हम जैसे स्पेकल करते हैं ये प्रोडक्ट आ, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी प्रायोरिटी को आ गई है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे हमारे फ्रंट एंड साइड। तो ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब हम यहाँ ये जो कार्ड बना हुआ है इसके अंदर हम बनाएंगे, ठीक है, हमारी डेटा जो होगी ना वो इसमें शो होगी। अब देखें, अब ये मैंने ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा, जीरो, क्योंकि यहाँ हमने अब शो ही नहीं कराया। अब हम यहाँ शो कराना चाहते हैं, तो कैसे शो कराएंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर से लिखना ना पड़े, तो इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। कि यूआई सेम है तो वहाँ हम सेम बनाते हैं, तो इसलिए मैंने कॉपी कर लिया है वो कहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। सॉरी, ये एक्स्ट्रा हो गई, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। और जो बाकी चीजें हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिडेक्स, इंपोर्ट यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिडेक्स से करेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, कांस्ट और यहाँ हम करेंगे, सॉरी, हम क्या करेंगे यहाँ एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास कार्ट है। कार्ट क्यों है, क्योंकि ये आप जाएंगे अगर कार्ट सिस्टम में जाएंगे, ये कार्ट है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। कार्ट इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, ये एक फंक्शन रहता है कॉलबैक, ठीक है। आइटम डॉट नाम हमने कौन सा लिखा था, यहाँ जाएंगे कार्ट सिस्टम में, ये जो नाम है कार्ट, ठीक है, ये लिखते हैं कार्ट, ठीक हो गया। अब हम इस क्या करेंगे, इस कार्ड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है, लेकिन एरर आ रही है, कौन सी आ रही है देखते हैं। एरर कौन सी आ रही है उसको हम देखते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद,
वी, और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ उसको। ठीक हो गया। एक तो ये ज्यादा है, दूसरी लाइन ये ज्यादा है। अब सही है। यहाँ हमने जो यू सिलेक्टर को पुट किया है, सॉरी सॉरी, अच्छा इसको चले हम इसका नाम चेंज करके देखते हैं। और हम किस में जाते हैं, कार्ड सिस्टम में। अब ये है, यहाँ मैं यूजर दे देता हूँ, सपोज नाम यूजर दे देता हूँ, और इसको स्टोर में भी चेंज कर देता हूँ। यूजर सही हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूजर दे दिया, ठीक है, एटम डॉट यूजर कार्ड। अब एक्सेस करते हैं, डेटा आ रही है नहीं आ रही है। कंसोल करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है डेटा आ रही है। तो हम अब इसको क्या करेंगे कि डेटा तो आ रही है, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास पहले टेम्पलेट था वो टेम्पलेट सेम ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे कार्ट जो सिस्टम ये है कि यहाँ जो हमने कार्ट किया है ना, इस सेम कार्ड को सेम तरीके से एडिट कर रहे हैं। और ठीक है, कार्ट हो गया और आइटम जैसे गया। और इस देखते हैं, देखें डिस्पेच, क्योंकि इसको हमें डिलीट करना है, इस बटन को डिलीट कर दिया। आप देखते हैं सही आ रहा है। सपोज मैंने इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, देखें तीन ऐड हो गए, लेकिन ये क्या है, डुप्लीकेट ऐड हो गए। हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट ना हो, या क्वांटिटी शो हो कि कितने ऐड हुए हैं। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ कार्ड सिस्टम में, और यहाँ हम एक सपोज कांस्ट फाइंड, कांस्ट फाइंड से सपोज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड, और सबसे पहले हम टेम्पररी एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्प वेर इज इक्वल टू, इसको स्टोर कर देते हैं एक्शन डॉट पेलोड, और आगे दे देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी हम दे देते हैं 1, फिलहाल 1 दे देते हैं। और हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर पास कर देते हैं, देखते हैं सही है, अभी सही डेटा ऐड हो रही है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक और फंक्शन बनाते हैं, कांस्ट फाइंड इज इक्वल टू, अब किस पे लगाएंगे, कार्ट पे लगाएंगे, ये जो हमारा कार्ट है इस पे लगाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेट पे लगाएंगे पहले, स्टेट डॉट कार्ड्स डॉट फाइंड इंडेक्स, सही हो गया। और यहाँ हम करते हैं आइटम, आइटम डॉट जो आइटम की आईडी होगी उसको हम मैच करेंगे, आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पे इफ एल कंडीशन लगाएंगे, इफ इस पे हम जो है कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि फाइंड जो है, फाइंड फाइंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, 0 सही हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर क्या शो होगा, स्टेट डॉट कार्ट, अच्छा इशू आ रहा है ये इसका है कि कार्ट्स फाइंड
ओ शिट, फाइंड डॉट क्वांटिटी करेंगे प्लस इक्वल टू वन करते हैं, ठीक है। अगर नहीं है एल्स एल्स हम क्या करेंगे, इसको शो करें। हाँ सपोज ये दो मैंने ऐड किए हैं, सही हो गया। अब मैं तीसरा ऐड करना चाहता हूँ, देखें तीसरा नहीं हुआ है। अब क्वांटिटी कितनी है हम वो भी शो करा सकते हैं, वो कैसे कराएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। कॉर्ड में हम गए, सॉरी यहाँ पे एक और लेबल बना देते हैं, लेबल आइटम डॉट क्वांटिटी। देखिए ये क्वांटिटी टू शो करा, ये वन शो करा है। अब देख सकते हैं अगर मैं इसको 5 6 बार ऐड किया है, अब देखते हैं इसकी और क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम काउंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ कि यहाँ टोटल कितने आइटम है वो किस तरीके से प्रिंट कराऊंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ करूंगा कॉर्ड कॉर्ड्स डॉट लेंथ। अब देखते हैं, सॉरी इसको हम एक टोटल 3 प्रोडक्ट है। अगर हम किसी और को इसको भी ऐड करते हैं, अब देखते हैं, अब 6 प्रोडक्ट आ गई। तो इस तरीके से हम कार्ड सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।